तो आज हमने मैकेनिकल कीबोर्ड ले लिया है, तो आज हम अनबॉक्स करेंगे एचपी मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड जिसका मॉडल है GK100। तो GK100 इसका मॉडल है, इसको आज हम अनबॉक्स करेंगे। न्यू कीबोर्ड आ गया हमारा। पहला जो हमारा कीबोर्ड था वो था ब्लडी का, अच्छा कीबोर्ड था, लेकिन उसका W ख़राब हो गया। वो बहुत रिप्लेस करने की कोशिश की, वो सही नहीं हुआ, तो इसलिए हमने न्यू कीबोर्ड ले लिया है। तो इसको सबसे पहले करते हैं अनबॉक्स। और इसके अंदर देखते हैं कि हमें क्या क्या मिलता है इसके अंदर। तो सबसे पहले ऊपर HP का लोगो, और फॉर्म के अंदर जो है फॉर्म है, हम पहले फॉर्म उतार लेते हैं इसका। उसके बाद हमारे पास एक कीबोर्ड है, इसको अभी के लिए साइड पे कर देता हूँ मैं। एक इसका जो है केस है, जिससे हम इसके जो है बटन को निकाल सकते हैं, और कुछ इसके मैनुअल्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ये है, और हमारे पास ये कीबोर्ड है, और इससे हम जो है कोई भी इसका बटन जो है बाहर निकाल सकते हैं कुछ इस तरह से। इसकी वैसे तो ज़रूरत पड़ती नहीं, हाथ से भी निकल जाते हैं। और इसमें बताता चलूँ, इसमें सिर्फ क्या है कि मैकेनिकल है, ज़्यादातर यूज़ होने वाला है, क्योंकि मैंने बहुत सारी शॉप्स पे यही HP वाले मॉडल देखे हैं। बहुत सारे चाइना के मॉडल भी मुझे मिल रहे थे जो कि इससे अच्छे थे और इससे ज़्यादा वास्ते, लेकिन मैंने इस बार HP का ले लिया है, और इस बार न्यू लिया है। पिछली बार यूज़ में लिया था, बहुत महंगा पड़ गया था। लेकिन ये किसी सॉफ्टवेयर से कंट्रोल नहीं होता, और इसके अंदर जो है लाइट्स फिक्स हैं। उसके अंदर जो थी एक बटन के नीचे RGB लाइट्स थी, इसके अंदर जो लाइट जिस बटन के अंदर होगी वो फिक्स होगी। मैं आपको इसको चला के दिखाता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है, अब हम इसी को यूज़ करने वाले हैं। और इसके आप अगर लाइटिंग देख सको तो यहाँ पे ऊपर वाली लाइन में रेड, और यहाँ पे इस साइड पे ग्रीन, येलो, यहाँ पे पिंक, और इस तरह से जो लाइटें हैं इसकी ये फिक्स हैं। अगर मैं आपको लाइट बंद करके दिखाऊं तो यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हो, बस इसके जो है डिज़ाइन चेंज होते हैं इस तरह से, दो चार इसमें फंक्शन है। यहाँ पे ब्लिंक वाला है, फिक्स है, तो यहाँ पे ये वाला फंक्शन आपने पहले पीछे वाले कीबोर्ड में देखा होगा, जो बटन क्लिक करते हैं उससे साइड से लाइट साइड्स को चली जाती हैं। और इसकी मैं अगर आपको बटन चेक करवाऊँ यहाँ पे, तो ये कुछ इस तरह से हैं, ब्लू वाले हैं, और साइड पे यहाँ पे LED लगी हुई है, और जो हमें इस तरह से कुछ नज़र आती है। और ये है इसका केस जिसके ज़रिए इसको हम उतार सकते हैं। तो यही था आज का हमारी वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपको कीबोर्ड दिखाया। मैंने अभी कीबोर्ड रिप्लेस किया है, तो वो आपको दिखा दिया है कि मैंने कौन सा लिया है, और ये ज़्यादा यूज़ यही हो रहा है। ये नॉर्मल कीबोर्ड है। अगर आप कम बजट में मैकेनिकल कीबोर्ड लेना चाह रहे हैं, तो इससे कम बजट में और मैकेनिकल कीबोर्ड नहीं मिलने वाला आपको। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।